Sharma, teacher of English speaking classes. Please like, subscribe, and ring the bell icon. Friends, today I am going to tell about present infinitive simple sentence, which is so much important for us. देखिए क्या होता है present infinitive case. Present infinitive sentences में translation में हमको बहुत सारी problems होने लगती हैं और हम translate नहीं कर पाते हैं. देखिए आज हम आप लोगों को focus करेंगे present infinitive simple sentence के बारे में. Okay? तो देखिए गाइस प्रेजेंट इन्फिनिटिव का सिंटैक्स क्या होगा. सिंटैक्स यानी कि आपको बताएगा गाइस सिंटैक्स में क्या होता है सूत्र. क्या होता है सूत्र. इसका सिंटैक्स होगा देखिए सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लिखना होगा. क्या लिखना होगा सब्जेक्ट. जो भी आपका सब्जेक्ट हो लिख लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे वर्ब लिखेंगे. क्या लिखेंगे वर्ब लिखेंगे और वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे. क्या जोड़ेंगे एस या ईएस और लास्ट में क्या रखेंगे अदर. अगर हुआ तो अदर लगते हैं नहीं होता गाइस तो कुछ नहीं करते हैं. ओके ये सिंटैक्स गाइस ओनली फॉर सिंगुलर प्लुरल. सिंगुलर सब्जेक्ट गाइस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट. ये सिंटैक्स इसके लिए होता है केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. ये प्लुरल सब्जेक्ट के लिए सिंटैक्स लागू नहीं होता है. तो देखिए जब भी सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर होगा तो हम लोग को प्रेजेंट में क्या करना होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा. उसके बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे और लास्ट में अदर लिखेंगे. ओके अगर मान लीजिए हम लोग का सेंटेंस जो क्या हो अगर सब्जेक्ट हम लोग का प्लुरल का हो जाए सब्जेक्ट क्या हो जाए प्लुरल का तब क्या करेंगे सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लिखेंगे और तुरंत वर्ब लिखेंगे और जब सब्जेक्ट प्लुरल का होता है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं. ओके लास्ट में क्या रख देंगे हम लोग विदाउट एनी एस फॉर ईयर. ओके तो ये होता है फॉर प्लुरल सब्जेक्ट. ओके प्रॉब्लम. ओके जस्ट नाउ सिंपल पहचान देखिए इसका. केवल सिंपल सेंटेंस आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहचान. पहचान देखिए इससे क्या होगा फर्स्ट का पहचान होगा फर्स्ट सेकंड दोनों का सिंपल ही होगा. क्या होगा सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आया होगा. क्या आएगा सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है सिंगुलर या तो प्लुरल. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंटैक्स नंबर ए का यूज करेंगे. अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा सिंटैक्स नंबर बी का यूज करेंगे. उसके बाद कोई भी हम लोग का वर्ब आया हो कोई भी वर्ब आ सकता है. वर्ब तो पता ही है ना जो कुछ हम लोग करते हैं वो क्या होता है वर्ब होता है. हम लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं सो रहे हैं कुछ भी है सब हम लोग का वर्ब होता है. ये वर्ब हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा ता है ये सब पहचान आपको बताए गए हैं. ठीक तो सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा वर्ब में क्लास में ता है ती है ते है अगर होगा तो हम लोग क्या करना होगा सिंगुलर के लिए ये सिंटैक्स यूज करेंगे और प्लुरल सिंगुलर के लिए ये सब्जेक्ट ये सेंटेंस यूज करेंगे. प्रॉब्लम. ओके एग्जांपल देखिए क्या होगा वह इंग्लिश बोलता है. सेंटेंस में क्या हुआ इंग्लिश बोलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट देखते हैं ना. सब्जेक्ट देखिए हम लोग का वह है सिंगुलर की प्लुरल सिंगुलर ये सिंगुलर होता है ना. सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम लोग ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे ही. अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे. वर्ब हम लोग क्या है बोलना. बोलना बोलिंग इंग्लिश का दिया स्पीक 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 हो गया. अब हम लोग को क्या करना होता है वर्ब में एस या तो ईएस जोड़ना होता है. अब किस वर्ब में एस जोड़ेंगे और किस वर्ब में ईएस जोड़ेंगे ये कंफ्यूजन होती है. तो देखिए हम बता देंगे इजी मेथड है इसके लिए. अगर जिस वर्ब के लास्ट में एस एच आया हो या तो सी एच आया हो या ओ आया हो या एक्स आया हो या जेड आया हो. क्या आया हो एस एच सी एच ओ एक्स आर जेड तो उस वर्ब के लास्ट में ईएस जोड़ते हैं. क्या जोड़ते हैं ईएस. जो भी अगर वर्ब हो उसके लास्ट में जैसे लास्ट पॉइंट है ना यूकी है तो अगर लास्ट पॉइंट में एस एच आया हो या तो सी एच आया हो या ओ आया हो या एक्स आया हो या जेड आया हो इन पांचों में से कोई आया हो तो उस वर्ब में क्या जोड़ते हैं ईएस. और जिस वर्ब के लास्ट में ये एस एच सी एच ओ एक्स जेड नहीं आता है उस वर्ब में हम लोग क्या जोड़ते हैं एस. कोई प्रॉब्लम. ओके कोई प्रॉब्लम. अब देखिए ही स्पीक. अब लास्ट में वर्ब क्या होगा के है. क्या सच्चा मीन में के आया हुआ है नहीं है इस वजह से हम लोग क्या इसमें जोड़ेंगे एस.
He speaks. Other क्या बच रहा है हम लोग का? English. Last में देखेंगे. अब देखिए हम लोग अगर किसी को बोलना है वो English बोलता है तो नहीं he speaks English. क्या बोलेंगे? He speaks English. क्या बोलेंगे? He speaks English. Okay? Then बाइक चलाता है. क्या सेंटेंस है? संजय बाइक चलाता है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? संजय. संजय. अब उसके बाद क्या करना है? सिंगुलर है इसलिए सुनो. वर्ब लिखेंगे. वर्ब क्या होगा? चला. चलाने के लिए क्या लिए? राइड. बाइक चलाना हो या कोई भी मतलब ऐसी चीज के हम अपने स्ट्रेंथ चलाते हैं उसके लिए राइड क्या यूज करते हैं? और जो जैसे कि स्टेयरिंग से चलते हैं गाड़ियां उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्राइव का यूज करते हैं. मतलब जो भी ऐसी व्हीकल्स जो कि स्टेयरिंग से चलते हैं उसके लिए ड्राइव का यूज, और जो हैंडल से चलते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्राइव. ओके, अब क्या करेंगे? इस वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे. अब देखिए वर्ब हम लोगों क्या है, क्या है जैसे ये सब जोड़ना है. लास्ट में क्या है? ई आया ना, सॉरी संजय राइड्स बाइक. क्या लेंगे? संजय राइड्स बाइक. ओके, स्कूल जाता है. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ब लिख सब्जेक्ट लिखना आता है. सब्जेक्ट कौन है? कौन है? वो है ना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? अब ये सिंगुलर है, इसका स्टूडेंट वर्ब देखिए वर्ब क्या है? जाना. जाने के लिए क्या दिए? गो. अब देखिए सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या तो ई एस जोड़ते हैं. लास्ट में ओ है, देखिए इसमें क्या है? एस या सी एच ओ एक्स जेड. ओ आया हुआ है ना, तो ओ जब आता है तो हम क्या लगाते हैं? ई एस. देखिए इसमें ओ है, इसमें क्या बोलेंगे? ई एस. ही गोज. और अदर क्या बोलते हैं? स्कूल. तो वह स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल. क्या बोलेंगे? ही गोज टू स्कूल. ओके, देखिए राहुल और सुरेश क्रिकेट खेलते हैं. जैसे हम ये राहुल और सुरेश क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए हम लोग सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लुरल हो गया ना. हमने बताया आप लोगों को जब सिंगुलर प्लुरल का सबसे पहला फर्स्ट वीडियो हम लोग जब देखे थे उसमें क्या था? राहुल और सुरेश. मतलब अगर वन मोर देन वन हो जाता है तो क्या होता है? प्लुरल हो जाता है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे. तो सब्जेक्ट हम लोग क्या? राहुल और सुरेश. राहुल एंड सुरेश. अब उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ड. वर्ड नाम क्या है? खेलना. खेलेंगे उसके बाद ये प्ले होता है. प्ले हमने लिखा. अब इसमें यस या यस तो जोड़ेंगे नहीं गाइस. क्यों? क्योंकि ये हम लोग का सब्जेक्ट क्या? प्लुरल है. प्लुरल में वर्ब में ऐसे यस तो हमने जोड़ने के लिए बोला नहीं गाइस. तो प्ले लिख दिए. अदर क्या बचा हम लोग का? क्रिकेट. तो इजी है गाइस. ओके, करेंगे राहुल एंड सुरेश प्ले क्रिकेट. करेंगे राहुल एंड सुरेश प्ले क्रिकेट. ओके, मैं राहुल के साथ रहता हूँ. ओके, मैं राहुल के साथ रहता हूँ. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट कौन है? मैं. ओके, तो मैं ही लिख सकती है. अब उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे. वर्ब नाम क्या है? रहना. रहने की लिख सकती है. लिव. अब इसमें यस या तो ये जोड़ेंगे नहीं. यस या यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये हम लोग क्या प्लुरल है. तो अब तुरंत अदर लिखेंगे. अदर क्या? राहुल के साथ. साथ की लिख सकती है विद. अदर कौन बचा? राहुल. विद राहुल. ओके, आई लिव विद राहुल. ओके फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियोस. प्लीज लाइक माय एवरी वीडियोस व्हिच आई एम सेंडिंग टू ऑल ऑफ यू. प्लीज सब्सक्राइब आल्सो माय चैनल्स, बिकॉज़ इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल्स यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश. ओके प्लीज एंड गिव अ 5 टू 10 मिनट्स एवरी डे फॉर द इंग्लिश. योर इंग्लिश विल बी सो गुड.
as good as the perfect English student or perfect English speaker used to speak that as you can also speak as them. Okay.